हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल रोमांच स्टूड पर। आज का ये वीडियो बहुत डिमांडेबल वीडियो है। आप सभी स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा कमेंट कर रहे थे कि सर हमको मैथ के बारे में बताओ, मैथ के सवाल हम पर होते ही नहीं है। जब आप बोर्ड पर कराते हो तब तो सवाल हो जाते हैं, या हम एक्सरसाइज में कुछ एग्जाम्पल्स देख कर तो सवाल कर लेते हैं, लेकिन उससे कुछ अलग तरीके का कोई सवाल आ जाता है वो हम पर होता नहीं है। या जितने सवाल हम कराते हैं वैसे ही सवाल सेम टू सेम कोई संख्या बदल के आ जाए तो हम कर देते हैं, लेकिन थोड़ा सा ही कॉन्सेप्ट चेंज हो जाता है तो हम नहीं कर पाते हैं। तो इन सभी सवालों का जवाब मिलेगा और सभी सवालों को आप भी सॉल्व कर पाओगे। बस उसके लिए चार स्टेप मैं बताऊंगा, उन चार स्टेप को आप फॉलो करो और आपका सवाल अपने आप सॉल्व होने लगेगा और मैथ में आपका इंटरेस्ट जाग जाएगा और मैथ को ही आप बताओगे यही मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है। तो फेवरेट सब्जेक्ट बनाने के लिए देखो, फेवरेट सब्जेक्ट क्या है, जब आप खाली बैठे और आपका मन किसी बुक को पढ़ने का करे तो वही सब्जेक्ट फेवरेट है आपका, मैं तो ये मान के चलता हूँ। जैसे मान लीजिए खाली बैठे हो और आपका मन करे यार मैथ पढ़ लूँ, नहीं मैथ तो बिल्कुल नहीं पढ़ना, मैथ पढ़ के तो नींद आती है आता, तो वो फेवरेट नहीं है आपका, ठीक है। तो चलिए, इंटरेस्ट जागना होता है किसी चीज में, इंटरेस्ट जगाना होता है अपने अंदर का, हमको ये काम करना बहुत अच्छा लगता है, उससे पढ़ने के बाद आपको आत्मसंतुष्टि होने लगे, ठीक। चलिए खैर छोड़िए, हम सीधा आप देखिए सबसे चीज पहली कि आप देखा होगा कि मैथ कैसे पढ़े, मैथ पढ़ना नहीं है आपको, ठीक है। पढ़ने के लिए तो पूरी मतलब क्या है, आप किताब पढ़ रहे हो वो भी पढ़ना है, पढ़ना नहीं है मैथ को, क्या करना है सीखना है। पहली चीज तो यही भूल जाओ कि आपको मैथ पढ़ना है, इस चीज में कभी बताओ कि मैथ आपको पढ़ना है, नहीं मैथ सीखना है सबसे पहली चीज। क्यों, इसके ऊपर एक एग्जांपल आपको मैं बताता हूं। यदि आप कहो साइकिल चलानी सीखनी है आपको, क्या मैं बोल रहा हूँ साइकिल, साइकिल चलानी है आपको, तो आप केवल पढ़ने से नहीं सीख पाओगे उसको साइकिल चलानी है तो। साइकिल के भैया साइकिल ऐसे कोई आदमी आ जाए तो ब्रेक मार लेनी है और कोई सामने खाली दिखाई दे तो पेडल मारते रहो है, या मोटरसाइकिल की बात चली जाए तो खाली आ रहा तो रेस डाल दो, इधर झुके तो ऐसे कर लो, ऐसे सीख जाओ, कभी नहीं सीखोगे। उसके लिए साइकिल चलाने में आदमी गिरता भी है, पैर भी फोड़ता है, मुंह भी तोड़ता है, लेकिन जब सीख लेता है तो मरने तक उसे याद रहता है साइकिल चलाना और कभी भी भूलता नहीं है। तो चीजों को सीखना, सवाल भी ऐसे होते हैं यदि एक बार सीख लिए तो कभी नहीं भूलोगे, और यदि आपने पढ़ लिया तो उसे भूल भी सकते हो, ठीक है, उसकी भूलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए सीखने पर आपको जोर दे रहा है। सीखेंगे कैसे, उसके लिए चार पांच बातें मैंने लिखी हैं, मोस्टली चार बातें आपकी काम की हैं। पहली क्या है कि किसी भी चैप्टर को मान लीजिए, कोई भी आप मैथ का कोई भी एक एक्सरसाइज समझ लो, या कोई भी आपका चैप्टर है, या कोई भी आपकी यूनिट है, उसको पढ़ने से पहले उसकी थ्योरी को आप एक बार जरूर पढ़ना। मैं बता रहा हूँ इस चीज को आप फॉलो करना, फिर देखना आपके पढ़ने के तरीके में चेंज आएगा नहीं आएगा। किसी भी चीज के बारे में जैसे कि लिमिट का चैप्टर है तो पहले लिमिट के बारे में पढ़ लो कि लिमिट होती क्या है बेसिकली, ठीक है, लिमिट क्या है, अप्रोच करती है किसी चीज के बारे में, है ना। तो आपको पहले उस चीज के बारे में जानकारी ले लो, उसकी थ्योरी को आप जरूर पढ़ लो, फिर उसके बाद में उससे रिलेटेड थोड़े से कॉन्सेप्ट जरूर होंगे। हर चैप्टर में हर चीज में आपको कॉन्सेप्ट मिलते हैं, तो कॉन्सेप्ट जरूर देखो उसमें कि क्या कॉन्सेप्ट है, जो भी चैप्टर जो भी एक्सरसाइज जो भी यूनिट आप पढ़ना चाहते हो उसकी थ्योरी थोड़ी सी दिमाग में जरूर पढ़ लो, उसके बाद उसके कॉन्सेप्ट देख लो, और फिर उसके बाद में आपको फॉर्मूला, उसके फॉर्मूले भी होते हैं हर चीज के अपने आप में, कुछ लिमिट पढ़ोगे तो लिमिट के भी कुछ फॉर्मूले होते हैं, यदि आप जोड़ घटाव करोगे जोड़ घटाव करने के भी कुछ ना कुछ फॉर्मूले होते हैं, हम किस तरह से उनको करें, ठीक है, समाकलन करोगे तो उसके भी कुछ फॉर्मूले होंगे, हर चीज के अपने आप में एक फॉर्मूले होते हैं, तो उन चीजों को आपको देखना है समझना है चीजों को सीखना है, ठीक है, समझ में आगे बात। पहला स्टेप है आपको थ्योरी कॉन्सेप्ट और फॉर्मूला जरूर देखने हैं जिस भी एक्सरसाइज को पढ़ोगे, जिस भी चैप्टर को पढ़ोगे, जिस भी यूनिट को पढ़ोगे, ठीक, पहली चीज क्लियर हो गई, ठीक है। दूसरा आपको क्या है, ऐसा नहीं आपने समाकलन पढ़ा सीधे सीधे पहुंच गए समाकलन के अनुप्रयोग पर, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। एक सीक्वेंस, जब छत पर चढ़ रहे होते हैं आप तो इस तरह से आपकी सीढ़ी बनी हुई है, आपका इस तरह से सीढ़ी छत पर जा रही है, तो आपको क्या है पहली सीढ़ी फिर दूसरी फिर तीसरी फिर चौथी, इस तरह से क्रमबद्ध तरीके से चलना है, यानी कि आपको सीक्वेंटली आपको आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं कि पहली सीढ़ी वैसे आखिरी सीढ़ी पर जाने की कोशिश करो और देखे कि आपका पैर फिसला और मुंह के बल गिरे, दांत भी ना रहे, बुढ़ापे में कुछ चाप भी ना पाओगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि आप एग्जाम खराब कर लोगे, ठीक है, तो इसीलिए सीक्वेंसली आपको बढ़ना, क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करना हर चैप्टर का हर चीज का, ठीक है। चलिए आगे, निरंतर अभ्यास कंटिन्यूअसली आपको प्रैक्टिस, देखिएगा यदि मैथ की एक खास बात मैं आपको बता दूं,
मैथ में कोई आपने सवाल, सपोज दैट कि मैंने आपको e की पावर x या e की पावर 4x का आपको मैंने समाकलन करना सिखा दिया, ठीक है, आपको मैंने करा दिया और आपने एक बार प्रैक्टिस कर ली, मैंने कराया तो आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, केवल 10% आपको आएगा, ठीक है। यदि आप इसकी 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपका 50-60% आपका आएगा, ठीक है, 2-4 बार करने से भी नहीं, फिर आप इसका और निरंतर और अभ्यास करोगे तो फिर आपका 90% तक रहेगा, लेकिन लगातार उसका कई बार आप प्रैक्टिस करते रहोगे तब आपका 100% आएगा। यदि थोड़ा सा ही आप छोड़ देते हो, थोड़ा सा एक दो बार एक सवाल देखा उसी को देख देख के आपने कर लिया, अच्छा पेज पलटा देखा ऐसे हुआ ऐसे कर लिया आपने, तो फिर मैथ कहेगा हम आपके हैं कौन, हम नहीं जानते आपको, जब लगातार प्रैक्टिस करते रहोगे तो मैथ कहेगा हम आपके दिल में रहते हैं। तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, निरंतर प्रैक्टिस, निरंतर प्रयास, निरंतर बोले अगेन एंड अगेन करते ही रहना सवाल को, जब तक आपको लगे कि आंख बंद करके सवाल चला और उत्तर तक रट ना जाए, कई बार प्रैक्टिस करनी होती है एक सवाल की, तब जाके वो आप सीख पाते हो। ऐसा नहीं एक बार आपने एक सवाल करा उसी से रिलेटेड मान ली 4x का करा और एक ही पावर मैंने दे दिया √4x, इसका करने में आपका सिट्टी पिट्टी गुम है प्रैक्टिस कॉन्सेप्ट, क्योंकि आपने कॉन्सेप्ट करा नहीं है, आपको मैंने कराया जैसे कि मैंने आपको साइन 4x का करा दिया समाकलन और ये करा दिया, तो आपने साइन 9x का आपने अपने आप कर लिया, लेकिन मैंने आपको दे दिया ये वाला, सो आप सिर खुजा जाओगे क्योंकि आपने ना तो थ्योरी पढ़ी ना कॉन्सेप्ट पढ़ा ना फॉर्मूला पढ़े, सीधे सीधे बस एग्जाम्पल को देख के करे ही जा रहे हो। मैंने आपको एक सवाल कराया, आप उस चीज के बारे में उसका जो उसका बेस था वो आपने पढ़ाई नहीं, उसी से आप कर रहे हो, तो उससे नहीं आता चीज मैथ ऐसे समझ में नहीं आता, मैथ बहुत खौफनाक सब्जेक्ट है, इसलिए इसको इजी बनाने के लिए आपको ये काम करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आपको निरंतर अभ्यास करना है और निरंतर अभ्यास के बाद में आपको खुद से दोहराना है। खुद से दोहराने का मतलब क्या है कि आपको मैंने e की पावर x का समाकलन कराया है तो आपको e की पावर 4x का अपने आप करो, ऐसे इससे रिलेटेड और भी e की पावर 5x का, e की पावर √5x का प्रैक्टिस, खुद से प्रैक्टिस करो, गलत करो कोई बात नहीं, गलत कर रहे हो तो उसका डाउट बनेगा, डाउट अपने टीचर से पूछो, हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे कमेंट करो कि हमारे सर ये सवाल आपने कराया इससे रिलेटेड में ये सवाल कर रहा था तो इसमें ये दिक्कत आ रही है तो इसको बताओ। तो इस तरीके के सवाल मैं कह रहा हूँ 100 में से एक या दो स्टूडेंट ऐसा मिलता है जो हम बोर्ड पर ऐसे मान लीजिए ये सवाल मैंने आपको कल वीडियो में दिया था करने के लिए और इससे रिलेटेड मैंने ऐसा सवाल आपको कराया था, तो 100 में से एक आधी स्टूडेंट ऐसा होगा जिसने ये करके देखा होगा, वरना सब इंतजार कर रहे हैं सर कल को तो वीडियो डाल ही देंगे उसमें कर देंगे कर लेंगे हम, या जो मैं कराता हूँ उससे अगर एक भी क्वेश्चन नहीं करता कोई भी, या मुझसे नहीं पढ़ते किसी और टीचर से आप पढ़ रहे हो तो उसने जो कराए उससे रिलेटेड और कोई सवाल आप निकालते नहीं हो, तो वहीं से आप वीकनेस बनती है आपकी मैथ में चलिएगा। और सब ये सब हो गया, ये सब 4 पॉइंट ही हैं भाई, ये 4 पॉइंटों पर आपने पकड़ कर ली तो आपका मैथ में 100 में से 100 कोई नहीं रोक सकता, ईश्वर भी नहीं काट सकते आपके नंबर को। और ये 5वां पॉइंट क्या है, 5वां पॉइंट इन सब के लिए है, इन सबको रटो मत, पॉइंटों को जो मैंने दी है चीजें इनको रटना नहीं है कि कॉपी पर हाथ पाथ रख के आप फॉर्मूले याद कर रहे हो, ऐसा नहीं है, हर चीजों को समझने का प्रयास करना है, सीखने का प्रयास करना है, तो रटना नहीं है केवल सीखना है, ये 4 पॉइंट को आपको रटना नहीं है सीखना है, जब इनको सीख लोगे आपका नॉर्मली अपने आप 100 में से 100 नंबर आ जाएंगे। जैसे मेरे पास में ये है, आपको क्या करना है इसके बारे में, जब लिमिट ये निकालना है तो आपको ये 1+x^2 है, ये इसका कॉन्सेप्ट क्या है इसको सॉल्व करने का, इसमें कौन सा लिमिट है, तो इसमें कोई एक्सपेंशन का रूल लगेगा या डायरेक्टली सॉल्व हो जाएगा या एल हॉस्पिटल रूल लगेगा, कौन सा लगेगा। जैसे कि ये समाकलन है, इसमें कैसे करते हैं हम, जैसे दो पद आ रहे हैं एक पद दो पद, तो दो पदों का किस तरह से हम समाकलन कर सकते हैं, क्या इसको हम इजी वे है इसको तोड़ने का, या हम इसका कोई और कॉन्सेप्ट है इसको सॉल्व करने का, क्या हम इसको एक दूसरे फलन में चेंज कर सकते हैं नहीं कर सकते, वो सारी चीजों का आपको ज्ञान होगा तभी आप इन चीजों को कर पाओगे। आई होप कि आप ये चीज समझ पाए होंगे, मैथ पढ़ते समय उससे पहले आप इन चीजों का विशेष तौर पर ध्यान रखोगे तो आपको निश्चित रूप से मैथ समझ में आएगा ही नहीं, बल्कि आप मैथ को सीखने लगोगे, जब सीखने लगोगे तो सवाल आपके दिमाग में रहेंगे, उनका उत्तर भी रहेगा, कोई भी पूछेगा तर्क से बता दोगे। तो वीडियो में कुछ अच्छा लगा हो, कोई चीज आपको समझ में आई हो, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, मिलेंगे खुश वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।